ये नेगलेरिया क्या होता है? ये कोई एक कीड़ा होता है या कोई एक जरासीम जर्म तो क्या होता है ये? देखिए मैं इसको बहुत ही सादा अल्फाज में बताऊं कि एक ऐसा ये जर्म है, जरासीम है, जो अमूमन साफ पानी में और ऐसे पानी में जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो वहां पे ये पैदा होने लगते हैं, खासतौर पर इस मौसम में जिसमें ह्यूमिडिटी हो और गर्मी हो। हमें लगता है कि ज्यादातर जो जरासीम है वो गंदे पानी में पैदा होते हैं तो हम उनको ऑटोमेटिकली ख्याल करते हैं, लेकिन जिस तरह की बात है स्विमिंग पूल्स, खास तौर पे स्विमिंग पूल्स और ऐसी झीलें जहाँ पे पानी ठहरा हुआ होता है, दिखने में वो साफ होता है लेकिन टेम्परेचर उसका जरा सा गर्म होता है, वहां पे ये पाया जाता है और अगर ह्यूमिडिटी इसमें शामिल हो जाए तो बड़े ज्यादा चांसेस होते हैं। ये बहुत छोटा होता है, दिखने में नजर नहीं आता नेकेड आई से, आमतौर पे नेकेड आई से तो खैर बिल्कुल भी नजर नहीं आता, और बहुत ही ज्यादा अगर हम जी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करें तो हमें उसमें नजर आएगा, लेकिन नेकेड आई से हमें नजर नहीं आता बल्कि वो साफ पानी में नजर बताऊंगा। अगर आपकी सूंघने की सलाहियत में दो तीन दिन में तब्दीली आ जाए, उसके अलावा आपको बुखार चढ़ जाए, गर्दन तोड़ बुखार जैसी आपकी गर्दन में अकड़ पैदा हो जाए, आपको चिड़चिड़ापन हो जाए, वॉमिट हो जाए और आपको ये भी लगता हो कि दो तीन दिन पहले मैं स्विमिंग करने गया था या पानी में गया था, तो खुदारा आप इसका वेट ना करें। आप